ওটা কি করছো? আচ্ছা ওগুলো তুলে তুলে ওর মতো লাগাচ্ছো, তো এটাও লাগিয়ে দেবে? এটাও তো সাদাই মনে হয়, এটা ইয়েওয়ালা সাফেদি হ্যাঁ তোর মধ্যে তো আছে প্যাকেট, ওটা কেন তুলছো? ঠিকই আছে থাক, শুধু একটু মাটি দিতে হবে। গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ব্লগ, মাই বন্দনা, আর আপ দেখ রে বিউটি ইন সিম্পলিসিটি। আজ সন্ডে, রক্ষাবন্ধন, আপ সবকো রক্ষাবন্ধন কি হার্দিক শুভকামনা। তো ইয়ে দেখো, ইনকো মানে বতায়া কি নিচে জো গ্যারেজ মে কিয়া থা ভার্মি কম্পোস্ট থা উসে উপর লে আনে কে লিয়ে মে চাল লুঙ্গি, তো লে আনে কে বজায় উপর আ গয়া আর কিয়া 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 কর রা হ্যায়। আর ইয়ে বোল রা হ্যায় কি আজ মৌসম আচ্ছা হ্যায়, মে ইয়াহা পে কাম করু। আরে ইয়ে সিধা করকে উল্টা করকে গয়া থা, পানি জম গয়া ফির সে, মানে নিকাল কে গই থি কাল। আর ইসমে কে হ্যায় শুনো, পত্তে পত্তে, ও ভার্মি কম্পোস্ট কাহাঁ হ্যায়? আরে ইয়ার তুম অভি কোন সা ভার্মি কম্পোস্ট সে কিয়া করনে ওয়ালি হো? আরে ভার্মি কম্পোস্ট মুঝে চাহিয়ে না, ও আরে চাহিয়ে তো অভি কুছ করনা হ্যায় কিয়া? লাকে রাখোগে না তুম না? মোদি জ্যাসা কিউ করতে হো, চাহিয়ে তো অভি চাহিয়ে সব। হ্যাঁ অভি চাহিয়ে, রাখোগে তব না কাম করেঙ্গে। ऊपर आने से पहले कितना झगड़ा किया वो, एक उस दिन एक सीताफल का पौधे ऊपर उठाया था ना, मैंने बोला उसका जो डोगा था की बोले सुनो हिंदी तो की बोले उसको भी पता नहीं है, हिंदी में पढ़े है बिहार के, मतलब झारखंड के रहने वाला है। हेलो नो हिंदी तो की बोले एथी उथी कुछ जब याद नहीं आएगा तब एथी बोल देगा। बोलो, अरे जो उसका एज जो होता है आगे वाला फ्रंट वाला उसको सामने क्या वाला बोलते हैं डॉगा तक की? याद नहीं है इतना, जब पूछा जाएगा थोड़ी याद आता है। ये देखो ओ एथी ना, ओ काटने के लिए छोटा सा उसका जो ऐसे एकदम लास्ट वाला वो जो पॉइंट होता है ना, अरे ये इसको तो बंगाली में डोगा बोलते हैं, ये वाला एकदम लास्ट वाला उसे काटने के लिए बोला था। कितना झगड़ा किया, हाँ उतना काट के फेंक देंगे, इतना सा काटा फेंक देंगे, वेस्ट हो जाएगा खा लेते। कितना झगड़ा किया, उसके बाद मैंने बोला वो एक इतना सा में, इतना सा डोगा में क्या होगा उसमें। तो आया ये देखो कुमड़ो शक का आएगा, कुमड़ो शक का वो जो बनाती हूँ ना, कुमड़ो शक और कुमड़ो मतलब उसका साग और सीताफल और उसका साग से जो सब्जी बनता है वो बहुत टेस्टी लगता है, इसीलिए बोल रहा है, बोल रहा था। लेकिन इतनी सी में क्या होगा, उसके लिए तो इतना बड़ा एक चाहिए। और है कौन बोलो, इसमें ये वाला सिर्फ पाम लग रहा है और बाकी ये सब घास है, सारे घास है। देखिए जैसा तो लग रहा है, देखिए सब उठा के फेंको, उठा तो पाम के है, नहीं नहीं पाम, वो पाम नहीं पाम है। ये देखो पाम, ये देखो पाम दबा के देखो इसको, ओटा देखे छोटा तो बोल लामी, एटा तो बोल लामी, ये वाला ये बड़ा होगा तो ये भी पाम, ये बंद हो तुले फेला दो ना घास फूस দুটোই উঠিয়ে ফেলে দাও, ওটা ওটা থাকে দেখো না, এখানে এর সাথে পাম থাক, এই গাছে সাথে পাম থাকবে, সাইড থেকে কেটে দিয়ে এটা দেখতে খুব সুন্দর হয়ে যাবে। হ্যাঁ নেই দেখো, আর এসে দেখো এই ক্যাটারপিলার নিকলা হয়, अगर ये गार्डन में हो ना एक रहो रहेगा तो पूरा खा खा लेगा पूरे, ये लिली में ही होता है, ये पूरे खा लेगा, इसको फेंकते हैं नीचे तो फेंक देता है इधर। पूरे पौधे खा लेता है, यहाँ से ही फेंक देता है। छत में आते हैं ना तो कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है, दो चार पौधे भी लगा दिया इधर उधर के उठा के,
क्योंकि बहुत ज़्यादा गेंदे का पौधा इधर उधर हो गया था, वो भी लगा दिया, इधर उधर शिफ्ट कर दिया। लेट हो रहा है, 9 बजे अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। छत पे गई थी तो रिया को बोली थी कि रिया थोड़ा सा मैक्रोनी के लिए सब्जी काट, तो ये कैप्सिकम प्याज और लहसुन वो काट के रखा है, लेकिन इसमें हरी मिर्च नहीं है रिया, हरी मिर्च नहीं है, थोड़ा सा लहसुन और दे एक दो कली, और हरी मिर्च नहीं है जो हम पौधे से ले आते हैं। बस यहाँ से 2-4 हरी मिर्च निकाल लेंगे, यहाँ पे बड़े बड़े हो गए सारे, तो यहाँ पे भी है कुछ, निकाल लेते हैं। घर में पौधे रखने का फायदा यही होता है, ये देखो कितने मोटे मोटे हो गए, अब पक जाएगा ये देखो। तो इतना से तो आज का काम चल जाएगा, मटन में देना है, और इसमें यहाँ पे और भी है, बड़े बड़े हो गया, तो बाद में निकालेंगे जब चाहिए होगा। चलो इससे आज का काम चल जाएगा। यहाँ पे मैक्रोनी भी उबल गया, तो पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के बॉयल कर लिया था, तो इसे ठंडा पानी से धो लेंगे। और आज ना मेरे जो हाउस हेल्पर है वो भी जल्दी आ गए थे, 6:30 बजे आ गया वो, तो मेरा जल्दी जल्दी वो काम करके चले भी गए, तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा आज सुबह के टाइम भी मिल गया। ऐसे वो 7-7:30 बजे तक आते हैं, कभी 7 बजे आते हैं, कभी 7:30 बजे, मोस्टली वो 7:30 बजे ही आते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है, वो काम करके जाते हैं, उसके बाद ही मैं शुरू करती हूँ मेरा काम, क्योंकि घर में पोछा लगाने के बाद ना अगर तुरंत चलूँ तो उसमें दाग आ जाता है पैर का, तो इसीलिए मैं सूखने देती हूँ, सूखने के बाद ही काम शुरू करते हैं। तो मेरा सारे काम अभी तो हो गया, अब ये मैक्रोनी बना लो और खाना बना लेंगे, और आज संडे है, ऐसे जल्दबाजी कुछ नहीं है, आराम आराम से काम करेंगे, तो गप्पे करेंगे काम करेंगे, तो सब कुछ मतलब आज का लेज़ी दिन डे है संडे, तो थोड़ा ऐसे ही हिलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए अगर जल्दी जल्दी काम करो तो सारे काम टाइम पे हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा बैठ जाओ तो थोड़ा लेट तो हो ही जाता है। ब्रेकफास्ट में मैक्रोनी बना रही हूँ, इसलिए ये रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, और पहले भी ये रेसिपी मैंने आपके साथ एक दो बार शेयर कर दिया, एक तो शॉर्ट्स वीडियो में भी है, तो इसको शेयर नहीं करूँगी, और जल्दी जल्दी मैं ब्रेकफास्ट बना लूँ, फिर लंच में है मटन यहाँ पे अभी तक डिफ्रॉस्ट किया नहीं, देंगे डिफ्रॉस्ट करने के लिए, पूरा बर्फ है, तो मटन बना लेंगे, और राइस और सलाद लंच में, और इस टाइम थोड़ा सा मैक्रोनी बना लेते हैं, और ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं ना, सब पसंद करते हैं, मुझे भी इतना अच्छा लगता है ना इस तरीके से मैक्रोनी, तो ये बना लेते हैं। और आपको तो दिखाया सारे कड़ी मिर्च ले आए, संडे ना कुछ काम रहता है एक्स्ट्रा, और सबसे मजेदार बात है ना, संडे हस्बैंड घर में रहता है तो मैं थोड़ा देर तक सारे काम कर सकती हूँ, क्योंकि पूजा करने का जल्दबाजी मुझे नहीं होती, उस छुट्टी के दिन वो मेरा हस्बैंड करते हैं पूजा, तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है दूसरे कामों के संडे के, तो मैं ये अगर जल्दी हो जाता है तो फिर मैं दूसरे काम भी निपटा लूँगी, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम होता है ना घर में, तो रेगुलर जो काम होता है वो तो होता ही है, उसके बाद एक्स्ट्रा काम भी होता है, तो वो करने के लिए टाइम चाहिए, तो वो टाइम आज मिलता है थोड़ा सा, क्योंकि पूजा करने की जल्दबाजी नहीं होती, और ऐसे भी थोड़ा सा लेट खाना खाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा आज क्लास भी नहीं होता, तो इसीलिए थोड़ा सबका ही लेट होता है,
और आज रक्षाबंधन है तो रिया का भी छुट्टी है। ऐसे हम लोग को रक्षाबंधन नहीं मनाते, मेरा ससुराल में तो मनाते हैं लेकिन हम लोग कभी मनाया नहीं, और भाई दूज मनाते हैं तो रक्षाबंधन नहीं मनाते। अरे ये बंद करने ही भूल गया, तब से निकल के ले गए, वो मैक्रोनी बॉयल हो गया तब से ये ऑन है। गैस का बिल उठ रहा है या नहीं? ये देखो दो जुड़वा फ्लावर एक साथ, ये देखो देखो टूट भी गया एक साथ, ऐसे ही खिला है जुड़वा फ्लावर। अच्छा है ना देखने में, यहीं पे रख देते हैं। रिया आज मुझे कितना हेल्प कर रही है, थैंक यू बेटा थैंक यू। वो काम करेगी लेकिन उसके कान में गुजा हुआ रहेगा, मतलब ठूसा हुआ रहेगा वो दो ईयरफोन, उसके बाद ही वो काम कर सकती है। अगर वो खोल दो उसके कान से तो बस यहीं पे ख़त्म काम धाम ना रिया, देखा उसके बिना वो काम कर ही नहीं सकती। जोर सीटी आ पड़ता है इसका। बस मटन हो गया, अब राइस होगा। इस बार ना मैं और सर्दी के लिए गमले नहीं खरीदूंगी, तो इसीलिए जितने भी वो कॉर्नफ्लेक्स का मूसली का डब्बा आता है ना उसको मैं काट काट के रख रही हूँ। देखो ऐसे जो मूसली का डब्बा आता है 1 किलो का, ये काट कर, और भी कटा हुआ है तो एक साथ सब काट के ना सबको कलर कर लेंगे। ये कलर करना ज़रूरी है क्योंकि रूट सनलाइट से डैमेज होता है, तो इसे कलर कर देंगे तो एकदम अच्छा सा हो जाएगा, पॉट बन जाएगा। और नीचे भी होल करना, होल किया नहीं मैं, यहाँ भी सिर्फ ये खाली था तीन, ये भी काट के रखा, पहले से 3-4 है तो सारे कुछ एक साथ सब काट काट के रख रही हूँ, एक साथ इसे सब कलर करेंगे। बस मेरा सारे काम किचन का ख़त्म हो गया, ये राइस बन रहा है, राइस बनने के बाद मैंने किचन का किचन भी क्लीन कर लूँगी और उसके बाद और कुछ डब्बे है उसको भी काट लूँगी, जितना हो सकता है उतना कर लूँगी आज और बाकी कल करूँगी। तो ये सब बहुत सारे डब्बे है तो कुछ डब्बे को काट के रखूँगी और उस डब्बे का काम तो कल करूँगी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों आज यहीं पे विदाई लेती हूँ, फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।